साथी हूँ मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हूँ आज कि हम कैसे बिना एक रुपए भी हमारे पास हुए हम दूसरों को लोन देने वाला काम शुरू कर सकते हैं। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब तुरंत करिएगा, मेरा अधिकार है, आपका प्यार है। तो पहला चीज, अगर आप फाइनेंस का बिजनेस करना चाहते हैं, फाइनेंस लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसमें ना दो तीन स्टेप होता है फ्यूचर गोल के लिए। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारे जेब से एक रुपए भी ना लगे और हम फाइनेंस का बिजनेस शुरू कर पाए, फाइनेंस का काम शुरू कर पाए, जबरदस्त बात होगी। दूसरा चीज, मैं खुद अपनी कंपनी बनाकर उसमें काम करना चाहता हूँ, ये भी बहुत पॉसिबल और फ्यूचरिस्टिक बात होगी, वो फर्स्ट स्टेप के बाद आता है। उसके बाद फिर और बड़ी सोच हम बना सकते हैं, लेकिन आज फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि बिना एक रुपए भी पूंजी के मैं कैसे बिजनेस ऑफ फाइनेंस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, बहुत बड़ा निर्णय होता है और बहुत मेहनती काम होता है। महीने में 50,000 से लेके 2,00,000 रुपए तक कमाने का जरिया हो सकता है, लेकिन पहले दिन नहीं, आपको कम से कम 2-3 महीने मेहनत करनी होगी, आपका टीम बिल्डअप करना पड़ेगा। मैं आपको पूरे स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा और ये क्या है ये मैं आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मार्केटिंग और फाइनेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा YouTube देख लीजिए, थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिए, थोड़ा आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात होगी। आपने मार्केटिंग में कभी ना कभी काम किया होगा, वो चीज़ आपके काम आने वाला है। आप अगर पब्लिक में बात करने में सुविधाजनक महसूस करते हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके क्लाइंट हैं, आपका नेटवर्क है, ज़बरदस्त है, आपके लिए ये बिजनेस बहुत जल्दी फायदेमंद होने वाला है। आपका नेटवर्क नहीं है कोई बात नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति आपका दोस्त है जिसके नेटवर्क है, ज़बरदस्त है, उनको साथ में ले लीजिए। इतना काम आपने कर लिया, अब आप DSA लीजिए। DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होता है, NBFCs और बैंक्स के डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी मिलती है, मैग्मा, HDB, काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं। NBFCs जैसे मैग्मा, HDB वगैरह, ये सारे लोग जो बैंक्स, NBFC लोन की सोर्सिंग करते हैं आपके थ्रू। और आपका रोल क्या रहता है मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको कस्टमर अच्छे खोजने पड़ेंगे जिनको ज़रूरत है लोन की, आप पता लगाइए और पता लगाकर उनके साथ में संपर्क करिए, संपर्क करके उनसे उनकी ज़रूरतों को समझकर हमारे जिनका आपने DSA लिया हुआ है, जो कंपनी का लोन उनके लिए पॉसिबल है, अवेलेबल है और उनके लिए सूटेबल है, उसके बारे में पूरी जानकारी सही सही उनको दीजिए। देने के बाद में उनसे पूरे डॉक्यूमेंट लीजिए, डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करिए, जो NBFC या जो बैंक से आपकी टाई अप है वहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के बाद तब वो स्क्रूटनी करेंगे, फ्यूचर वेरिफिकेशन करेंगे, आपको पूरा साथ में रहना है, कस्टमर का सहयोग करना है। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को लोन मिल जाएगा तो आपको भी आपका जो परसेंटेज है, जो डिसाइडेड है ऑलरेडी, जो आपने एग्रीमेंट किया होगा, आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप 3 या 4 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हो तो ज़बरदस्त व्यापार है, करना चाहिए। और पैसे मैं आपको बताऊं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 50,000 बहुत नॉमिनल है, मिलता ही है, 2,00,000 रुपए तक बहुत आराम से आप जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं इसका नेटवर्किंग और इस पे काम कैसे करते हैं, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो DSA के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, अगला वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग इसकी कैसे करनी है, और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, एक पैसा भी जेब से नहीं लगने वाला। हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊं, मैं एक वीडियो बैंकिंग में, जो फ्यूचर में अपना बैंक खोलना चाहते हैं, आज सोच में है कल खोलना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। आपको पता है मेरा मिशन है, आप सबको जानकारी ज़बरदस्त ज़रूरत के हिसाब से हमेशा समय पर देते रहना। आपका दीपंकर समद्दार, बहुत बहुत धन्यवाद।